श्रृंगार करेंगी और हमारे शांति वन के सुधीर भाई गुलदस्ते से आप दोनों का स्वागत करेंगे और युग रतन भाई आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक शुभ भावनाओं भरा खुशियों भरा उमंग उत्साह का गीत लेकर के आए हैं युग रतन भाई। आपके परिवार में आपकी बेटी सुरेखा बहन विद्या बहन नूतन बहन उज्ज्वला बहन और बेटा नंदू भाई सभी ज्ञान में चलते हैं। 1984 से आपका पूरा परिवार ज्ञान में चल रहा है और सभी बाबा की सेवाओं में सहयोगी हैं। सिक्योरिटी आपने की और अभी तक भी सिक्योरिटी की ही सेवाएं आप कर रहे हैं। अभी तक भी अपनी तरफ से आपका पूरा प्रयास रहता है कि पूरा समय मेरा बाबा की सेवा में ही जाए चाहे 85 वर्ष की आयु होने को आई है। हाँ, हमारी शुभकामनाएं हैं पूरा ही संगम युग आप रहें और बाबा जो कहता है कि संगम युग के अंतिम समय के नज़ारे कैसे होंगे वो नज़ारों का भी अनुभव करते हुए फिर सतयुग में जाने के अधिकारी बने। हाँ, नीलू बहन भी विशेष गुलदस्ता लेकर के आई हैं और आपको शुभकामनाएं दे रही हैं। हेलो, हम शांति। तो आज हमारे सुरेश भाई जी जिन्होंने यज्ञ रक्षक बनकर इतनी सेवाएं अथक सेवाएं की है और आदि से इस शांति वन की जो इतनी सुंदर फुलवारी सज गई है इसमें उनका एक बहुत ही बड़ा अहम योगदान है और आज बड़ी दिल की खुशी से सभी हमारे मधुबन निवासी और विशेष पूरा यज्ञ इनको आज विशेष जन्मदिन की तो बधाई दे रहा है लेकिन उनकी सेवाओं को याद करते हुए उन दिल की दुआओं को भी शुभकामनाओं शुभ भावनाओं का आज भरपूर बरसात करने जा रहा है। तो हम सभी शामिल होते हैं मिलकर सारे मधुबन निवासी मिलकर सभी दीदियों दादियों की तरफ से।
सभी थोड़ा तालियों का साथ दें तो माहौल जो है खुशनुमा हो जाएगा। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। स्थूल श्रृंगार तो जरूर हुआ है, लेकिन आज बाप दादा भी विजय का तिलक और विजय का हार पहना रहे हैं। हम विजय माला तुमको पहनाते, कर तिलक साथ में ये बताते। हम विजय माला तुमको पहनाते, कर तिलक साथ में ये बताते। ये घड़ी ना केवल खुशी की, ये घड़ी ना केवल खुशी की, प्रेरणा नव जीवन की। हर संकल्प हो पूरा तुम्हारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। हर संकल्प हो पूरा तुम्हारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। सदा यज्ञ के आदि रत्नों की आज्ञा पे आप चले हो। सदा यज्ञ के आदि रत्नों की आज्ञा पे आप चले हो। दादी दीदी दादाओं की, दादी दीदी दादाओं की गोद में आप पले हो। बाप दादा भी खुद है पधारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। बाप दादा भी खुद है पधारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। यज्ञ रक्षक बनकर जितनी अथक सेवाएं दी है, वफादारी और फरमा बरदारी की एक उदाहरण पेश की है। यज्ञ की रक्षा करने तुमको भोपाल भाई ने बुलाया। यज्ञ की रक्षा करने को तुमको बाबा ने तुमको बुलाया। वफादारी फरमा बरदारी की, वफादारी फरमा बरदारी की, कर्तव्य आपने निभाया। जैसा 38 बरस गुजारा, बड़ा अद्भुत रहा वो नजारा, बड़ा अद्भुत रहा वो नजारा। जैसा 38 बरस गुजारा, हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। हर दिनों से ये दिन कितना प्यारा हो, मुबारक जन्मदिन तुम्हारा।
बाप दादा भी खुद है पधारा, हो मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। 85 बरस का नजारा, हो मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। सारा मधुबन देता है नजारा, हो मुबारक जन्मदिन तुम्हारा, हो मुबारक जन्मदिन तुम्हारा। यज्ञ रक्षक बनकर सदा आप सेवा करते रहे, बहुत बहुत फिर से जन्मदिन की मुबारक हैं, मुबारक हैं। बहुत सुंदर भाव यज्ञ रतन भाई ने भी अपने प्रकट किए। और अभी हम जो आपकी बेटी सुरेखा बहन हैं, मुंबई से आई हैं, आप भी 84 से ज्ञान में चल रही हैं, यज्ञ सेवाओं में सहयोगी रही हैं, अपने पिताजी के बारे में आज के दिन कुछ उद्गार हमारे सामने रखेंगी सुरेखा बहन। ओम शांति। हम सब बच्चों के साथ में बाबा का बर्थडे रहता ही है, पर हम परिवार वाले विशेष लकी है क्योंकि सुरेश काका का जो जन्म है वो महाशिवरात्रि पर ही हुआ है। भक्ति मार्ग में तो अपने बर्थडे पे हमेशा उपवास करते थे, और जब ज्ञान मार्ग में आए तो बाबा के साथ बर्थडे मनाने का नशा उनको बहुत अलग ही रहता था। उनको कभी अपना बर्थडे अलग से करने का विचार भी नहीं था, उसी में खुश थे। तो हम बच्चों के लिए तो तीनों बाप का बर्थडे एक ही दिन था, लौकिक अलौकिक पारलौकिक बाप का। बाकी आप शांतिवन निवासियों को हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय जब हिसाब किताब उनका चल रहा है और उस समय तबीयत के समय सबसे पहले उन्होंने उनको फटाफट से हॉस्पिटल ले जाना और वो ध्यान दिया। हम सोचते हैं कि शायद लौकिक में भी इतना फास्ट काम नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी उनका जीवन हमेशा प्रेरणादायी रहा मेरे लिए, हम सबके लिए। हम लोगों को सुबह 4 बजे उन्होंने भी सोने नहीं दिया। बाबा अलौकिक बाबा और पारलौकिक बाबा 4 बजे उठाते थे, ये भी 4 बजे उठो और पढ़ो। ज्ञान में नहीं थे तो भी उठना है और पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ने की आज्ञा नहीं रहती थी, लेकिन खुद रात को अगर सेकेंड शिफ्ट करके 12 बजे आए हैं, घर पे 1 बजे पहुँचे हैं, खुद भी उठते थे। उठना, सबके लिए चाय दूध बनाना और हमको उठा के बिठाना। हम लोग इतना डरते थे कि उनके उठा के बिठाने के बाद सो नहीं पाते थे, पढ़ना है हमको, चाहे नींद आ रही हो या कुछ भी हो, वहाँ उठाते थे। और ब्रह्म मुहूर्त में खुद भी भक्ति के वो मासिक आते थे, उस समय कल्याण मासिक रहते थे, वो खुद भी वो उस समय पढ़ते थे, भगवान का पढ़ते थे, और हमको पढ़ाई पढ़ना है उस समय, सुबह सुबह पढ़ाई करना है। तो अमृत वेला उठने का अभ्यास तो उनका लौकिक से ही पक्का था। 3 बजे उठने का उनका नियम, उस नियम को देखकर ऐसा लगता है कि नेमिनाथ का मंदिर इन्हीं का होगा। एक दिन वो लौकिक में भी नहीं चूके, अलौकिक में भी नहीं चूके। तो जीवन तो उनका हर पल माना प्रेरणादायी रहा। निर्भयता का गुण तो हमने इन्हीं से सीखा, बचपन से जो उनके अंदर वो निर्भयता थी। तो निर्भय तो थे ही, लेकिन ये निर्वाण धाम का गीत सुना तो एक और बात याद आई, आप सबको बहुत हंसी आएगी। ये लौकिक से ही मेरी माँ को हमेशा कहते थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैंने तो हिमालय जाना है। सिर्फ कहते नहीं थे, घर में एक त्रिशूल भी बना कर रखा हुआ था। वो बेचारी हमेशा ऑक्सीजन पे रहती थी कि कब चल पड़ेगी मैं हिमालय पे जाके रहूँगा। और उनको दुबई में जॉब लगी थी, तो मम्मी ने बोला भाई दुबई वुबई कहीं नहीं जाओगे आप, यहीं रहो, क्योंकि कब वैराग भाव अंदर से था ही कि हिमालय पे जाना है, कब छोड़ के चले जाएंगे। और
वो जो त्रिशूल बना रखा था फिर वो झांकी में काम में आने लगा ज्ञान में आने के बाद। तो वैराग भाव था उनके मन में, भक्ति भाव था, भक्ति भाव की असीम हमारी दादी जी थी। और दादी जी जो है उनको पीठ पे बिठा करके चारों धाम की यात्रा जिस बेटे ने की वो ये है। मुझे नहीं मालूम कि किसी ने और ने अपने पीठ पे बिठा बिठा के पहाड़ियाँ चढ़ना और यात्रा कराने का काम जो है वो किया है। रेलवे में थे और अपनी बहनों को तो यात्रा कराते थे पर दादी को पीठ पे बिठा के चढ़ाया है, सब भक्ति की। और ये अथक जो करने की, परिश्रम करने की जो है ना, बोलते डीएनए में ही है, बहुत सेवा करते रहे। और उनको देख करके हमको लगता है कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब मेरे ऑपरेशन के बाद मैं वॉकर पकड़ के चलती थी, कार से जाती थी, अकेली ड्राइव करती थी, तो सब बोलते थे कि बहन हम लोग हैं ना, हम करेंगे। हम बोलते थे हमारे पिताजी ने इंडिपेंडेंट बनना सिखाया कि हर बार हम अपने स्वावलंबी बने रहेंगे। तो उनको देख करके, अभी भी उनको एक साइड में पैरालिसिस हुआ है, वो उनको स्वावलंबी बनना है। और हॉस्पिटल में ही बोलते थे, जबकि क्या बोलते, चम्मच भर पानी भी निकला नहीं जाता था, बोलते थे मैं 2 महीने में ठीक हो जाऊंगा, फिर से अपनी सेवा में लग जाऊंगा। तो आराम करने का विचार मेंटल प्रोग्रामिंग ही नहीं है कि अब उम्र हो गई है फ्री हो जाऊं, सेवा निवृत्त हो जाऊं, नहीं। उनको अथक बनने का मना अभी भी है, वो शुरू भी कर दिया था उन्होंने 2-2 घंटा, फिर से वापस सेवा में जाना शुरू किया था। अभी पिछले हफ्ते गिर गए तो इधर पीछे को टिक टाँके वाँके आए हैं, लेकिन आत्मविश्वास कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं स्वावलंबी आत्मनिर्भर रहूँ, वो देख करके हमें हमेशा अभी तक भी प्रेरणा है उनके जीवन से आती रहती है। उनका जीवन जो है उसमें एक विशेष बात, जब यहाँ मधुबन में रहने आए, दादी कॉटेज बना और ये तपस्या धाम बना, तो उनको ऊपर बाबा को मिलने के लिए हर मिलन में मिलने को जाने को नहीं मिलता था, और बाबा मिलन इनको हर चाहिए रहता था। तो पहले तो माउंट आबू में जब लौकिक घर से थे तो होटल में पूरी गृहस्थी अपना स्टोव ये वो लेके अपना खाना बना के भी रोज बाबा को मिलना ही है। लेकिन मधुबन में सेवा में आ गए, अब सेवा में भोपाल भाई ने नीचे बिठाया है, ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो बोलते थे मैं ऐसी तपस्या करूँगा ना, बाबा मधुबन में शांतिवन में ही आना शुरू हो जाएगा। और आज भी वो ये फील करते हैं कि मेरे संकल्प से ही बाबा यहाँ शांतिवन में आने लग गए, क्योंकि ये रह रहे थे 93 में, तब बोल रहे थे कि मेरे को बाबा नीचे चाहिए, मेरे को हर बार बाबा को मिलने को नहीं मिलता है। तो दृढ़ संकल्प है, अथक विश्वास है, बाबा के प्रति प्रेम है। और हमको श्रीनिवास भाई भी बोलते रहे कि तन मन धन से 1 तारीख का पेंशन आता था तो 2 या 3 तारीख को पापा यीशु दादी के पास हमको ज़रूर मिलते थे कि यीशु दादी को मिलना है, शांतामणि दादी को मिलना है। तो उनके जीवन में त्याग रहा, उनको कभी भी हमने कहा कि अपने लिए खर्च करो पेंशन, उनको वो अभी तक प्रोग्राम ही नहीं है कि अपने लिए फल ला के खाओ, वो प्रोग्राम ही नहीं है उनको, बस बाबा जो दे रहा है मैं उसमें खुश हूँ। तो उनका जीवन तो हम सबके लिए प्रेरणादायी था ही, और हम चाहते हैं, वो भी खुद बोल रहे थे हमको कि 100 साल जीऊँगा मैं, बस बाबा उनकी इच्छा को पूर्ण करे और वो सेवा करते रहे। बोलते दादी जी ने, जैसे जानकी दादी जी ने सेवा की 100 साल तक, तो मैं भी करूँगा। तो उनकी भी सेवा बाबा को मिलती रहे, बस वही हम भी चाहते हैं। बाकी एक बात और इनके लिए बताना है कि पिताजी हमारे समर्पित हो पाए और यहाँ सेवा देने दे पाए, उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे भाई को जाता है। भाई ने पिताजी को फ्री किया कि मैं माँ को संभालूँगा, मैं बहनों को संभालूँगा, आप बाबा की सेवा करो। तो इन्होंने कुमार होते हुए जो बलिदान दिया है वो भी एक सराहनीय है, इसीलिए आप सबको बताना चाहती थी। ओम शांति।
ओम शांति। आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से पहले पिताजी को 85 बर्थडे की बहुत 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 बधाई। हम सब शिव बाबा के परिवार के एक बल एक भरोसा वाले और पिताजी ज्ञान में चले और हम भी चले, मैं माँ और पिताजी, हम नासिक में गए तो हमको उस समय ज्ञान मिला और हमारे पीछे सभी हमारे बहनें आ गई। लेकिन पिताजी को स्पष्टवादी और सरल स्वभाव के थे। 84 में ज्ञान मिला, 85 में हम लोग सभी मिले, लेकिन पिताजी उस समय नहीं आए क्योंकि मेरी खान पान की धारणा नहीं, क्योंकि क्या बोलते उसको, ड्यूटी के कारण बाहर खाना पड़ता था। इतनी छोटी सी धारणा, लोग तो अलग अलग धारणा समझते, लेकिन उन्होंने आए ने। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बाबा को मिलने के लिए आए, तब बाबा ने उनको 2-3 मिनट का वरदान दिया। उस समय मेरे ख्याल से त्यागी तपस्वी डबल सेवा करने वाले इस तरीके से अलग अलग दिया और हमारे परिवार को भी दिया, मुझे भी अलग अलग दिए। लगभग इंडिविजुअल वरदान सभी को मिले, हमारी माता जी को भी मिला अच्छी तरीके से। और इधर हम बीके कॉलोनी में आए तब माता जी टोली में या कैड प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे सेवा दे रही थी, उनका भी महायज्ञ में सहयोग है। उनकी भी मैंने तारीफ की है कि वो अपना उन्होंने भी हमको प्रेरणा दी। पिताजी का बारे में बताता हूँ कि हम छोटे थे जब महाशिवरात्रि आती थी, हम वैसे महाराष्ट्र में अंबरनाथ करके ठाणा जिला में बॉम्बे के पास में ही है शिव मंदिर है, बहुत पुराना, शिल्प से उत्तम शिल्पाकृति बोलते ना, एकदम पुराना जैसे मंदिर होता है। उसमें रात को 2 बजे हमको लेके जाते थे और वो बरस में एक ही उपवास करते थे महाशिवरात्रि। उज्ज्वला बहन और हम दोनों को याद है। और फिर वो जैसे सुरेखा बहन ने कहा, सवेरे सवेरे उठाना उनका ये है, प्रोग्राम पहले से ही था। और हम इसलिए पढ़ाई में अच्छे से ग्रेजुएशन किया, इन्होंने डबल ग्रेजुएशन किया तो वो काम में पड़ा, क्योंकि सवेरे फ्रेश माइंड होता है, लेकिन पहले तो मालूम नहीं था। लेकिन ये फायदे हमारे हमें उनके द्वारा ही मिले। आप देखते होंगे कि अभी तो समझो ये उनको पैरालिसिस हुआ, उसके पहले आप कभी भी देखेंगे ना 3 बजे सुरेश काका कहाँ चाय पीते वहाँ वहाँ करते, वो सोते नहीं, उनका कहने का ये भाव होता है, मानना ये है कि है ना उठना ही, जागरण करना ही, अमृत वेला जागरण करना ही, शिव को जागरण करना है, योग लगे ना लगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हम भक्ति में कहते हैं ना, कोई जागरण करते तो उनको कितना बड़ा फल मिलता है वगैरह वगैरह, तो ऐसे उनकी भावना थी। और साहजिक है क्योंकि अमृत वेले जो हम संकल्प छोटे भी करें बड़े भी कहें वो तो फलीभूत होते ही है, तो वो उनमें से हमें प्रेरणा मिली। मेहनत ही इतने कि जब हम छोटे थे उज्ज्वला बहन और हम, कि वो रेलवे की ड्यूटी करते थे, परिवार बड़ा था तो पेमेंट पूरता नहीं था, तो वो डबल काम करते थे, सिलाई का भी काम उनको आता, सिलाई का भी काम करने आता है, तो हम देखते थे कितने मेहनत करते हैं। तो परिश्रम करना और इधर आने के बाद तो केवल ड्यूटी करने सिक्योरिटी के, तो उनका तो वो बाएं हाथ का खेल है जो बाएं हाथ का खेल है तो आसानी से कर सकते, इसलिए लगातार अभी भी 30-32 बरस से ऊपर हो गए तो भी सेवा कर रहे, क्योंकि बाएं हाथ का खेल है, उन्होंने परिश्रम बहुत किए ना, तो वो पहले परिश्रम किए वो तो संस्कार है, इधर भी उनको कुछ ज़्यादा ये नहीं लगता, एकदम आसानी से करते। आप देखेंगे चलते फिरते बातें भी करते, रमणीकता का भी गुण है, कभी आपको हंसाएंगे, कभी क्या उनका वो नेचर है, अच्छी तरीके से रहते हैं, इस तरीके से उनके अलग अलग गुण है और हमें भी खुशी है। और सुरेखा बहन कह रही थी मेरा त्याग है, मैं करता हूँ, मेरा ड्रामा भी पार्ट है, क्योंकि पिताजी जल्दी रिटायर हुए 55 बरस के आसपास। हाँ तो मैं बोला मैं और माता जी के लिए हमारे लिए
मेरा पेमेंट बहुत कुछ है, आप भले रह सकते या अपना रिटायरमेंट जल्दी ले सकते, उनके भी ध्यान में नहीं था कि मैं यहाँ आकर सेवा करूँगा। लेकिन लगन की अग्नि ऐसी थी जो बाबा ने भी उनको अपना लिया, है ना, तो उनको भी सेवा मिली। अभी है ना, बहुत लोग ऐसे अपने बीके कॉलोनी में है कि गृहस्थी लोग कॉलोनी में रहते, कुमार समर्पित रहते, लेकिन मैंने सोचा कि पहले वो है तो उनको रहने दो, पहले आप करने से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत लोगों को पहले आप किया, वैसे पहले आप है समर्पित, कंटिन्यूस गो ऑन, यानी कंटिन्यूस करो। इस तरीके से मैंने भी ये किया, लेकिन ना फायदा ये हुआ कि जैसे क्या बोलते हैं, अंगूर के जो गुच्छा होता है उसकी ये गुच्छे में रहता है उसकी, तब कीमत बढ़ती है, और अगर छोटे छोटे हो जाएंगे तो कीमत घट जाती है। तो इस तरीके से ना मैंने विचार किया, किसी ने तो दादी ने ये उदाहरण दिया था, तो मैंने पक्का अंदर घोट लिया कि परिवार को बंद कर चलेंगे, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। इसलिए मैंने बहुत डिपार्टमेंट में अलग अलग सेवा की और सभी से प्यार से ही रहता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि सबसे जुड़े रहे, हर एक में थोड़ी अच्छाई भी है और ये भी है, लेकिन जुड़े रहना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने पक्की गाड़ बांध ली, किसी, मुझे लगता है शांतमणि दादी या किसी ने बताया हुआ, लेकिन वो मैंने पक्का कर लिया, इसलिए तो सहज हो रहा है, मुझे सहज आसान लगता है, मेरा पार्ट मेरे लिए अच्छा है ऐसा लग रहा है। तो बहन जी बोलती त्याग है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो पार्ट है मेरा। ओम शांति। और अभी मैं सुरेश भाई से अनुरोध करूंगी कि अपने 85वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने दो शब्दों से, हमें कहा गया है कि अधिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी अपने दो शब्द आप सभी के लिए कहना चाहते हैं कहें। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुद का मेरा बर्थडे आया 85वां वो चल रहा है, और मेरे को बहुत इच्छा थी कि बर्थडे ये करना, बाप पिताजी बाप और मेरा दोनों भी महाशिवरात्रि का जन्मदिन रहता था, इसलिए मैं वही समझता था कि बाप मेरा जन्मदिन साझा कर रहा है, इसलिए मैं बेफिक्र रहता था और कोई किसी की लेन देन नहीं कुछ नहीं। बर्थडे बाप खुद मेरा मना रहा तो मैं क्यों मनाऊँ, तो इसलिए मैं मर्द बर्थडे बना नहीं था। तो आज लास्ट मौका मिला बर्थडे बनाने का, तो अभी यही पूरी इच्छा पूरी सब मधुबन निवासी की और मेरी भी, दोनों की भी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि मेरे को भी बहुत दिन से चल रहा था कि कुछ तो भी करना चाहिए बर्थडे, तो अभी कर रहा है, अभी केट काटेंगे। ओम शांति। तो शिव बाबा अपने बच्चों के संकल्प पूरे करते हैं, और आपका तो जन्मदिन ही शिव बाबा के शिवरात्रि वाले दिन है, तो क्यों नहीं, तो ज़रूर बाबा ने आपकी दिल पूरी की है, और अभी केक काट करके बहुत उमंग उत्साह से अपना जन्मदिन मनाएंगे। और उसके बाद सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों को फूल मिलेगा और टोली मिलेगी, विशेष घाट को लगवाया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
सभी परिवार वाले ऊपर आ जाएं, जो भी आपके लौकिक परिवार वाले हैं, सुरेश भाई के लौकिक परिवार वाले अगर सभा में बैठे हैं तो ऊपर आ जाएं। सभी को टोली में घाटकोपर की तरफ से लड्डू आया है शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, वो मिलेगा। और बाबा के घर से शांतिवन से सिंधी हलवा मिल रहा है, वो भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में है। और बाबा का जो केक काटा था बाबा के अवतरण वाले दिन, वो केक भी आप सभी को मिल रहा है। और साथ में फल, चार कीनू, चार केला और चार एप्पल, ये फल भी आप सभी को बाबा के घर से मिल रहा है। तो इसके पश्चात सभी शांतिवन निवासी भाई बहनें दो लाइन में आएंगे, भाइयों की तरफ श्रीनिवास भाई और सुधीर भाई आपको टोली और फल देंगे, और बहनों की तरफ हमारे से टोली लेंगे, नीलू बहन से फल लेंगे। सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों को ब्रह्मा भोज है, सुरेश भाई और कुंदा बहन की तरफ से है आज। और सुरेश भाई के लौकिक परिवार का भोजन हॉल नंबर 3 में रामलोचन भाई के पास रहेगा। सभी शांतिवन निवासी अपने ही डाइनिंग हॉल में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करेंगे, और वो आज का ब्रह्मा भोजन सुरेश भाई और कुंदा बहन की तरफ से है। मौसम भी देखो कैसे
कितना प्यारा, आज खुश है जहान सारा, बेहद प्यारा आलम सारा कहता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारी लग जाए प्यार बरसता
बधाइयां हर दिल की उम्र हमारी लग जाए। देखो इनकी आंखों से प्रभु से होती है बात वो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। चांद से रोशन आप रहे दिल हमारा यही